आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, फागुन मास की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये त्यौहार 18 फरवरी 2023 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का महाअभिषेक किया जाता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार शिव जी की पूजा अभिषेक करेंगे तो उसका फल कई गुना अत्यधिक मिलता है। तो आइए जानते हैं राशि के अनुसार किस प्रकार का शिव जी की पूजा। शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल का रंग लाल है और मीठी चीज़ें अर्पित करते हैं। ऐसे में लाल फूल और लाल चंदन के साथ ही गन्ने के रस और शहद से शिव जी का अभिषेक करें। अब बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का रंग सफ़ेद होता है। ऐसे में सफ़ेद फूल और सफ़ेद चंदन के साथ ही दही और दूध से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। बात करते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। मकर के स्वामी शनि हैं। शनि का रंग नीला और काला है, तो ऐसे में नीले फूल, धतूरा, भांग, अष्टगंध आदि के साथ ही गुड़ मिलाकर भगवान का अभिषेक करें। और बात है कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देव ही हैं। तो इस दिन गन्ने के रस और दही से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए कुंभ राशि वालों को। और बात करते हैं मीन राशि की, तो मीन राशि वाले इस प्रकार अभिषेक करें, क्योंकि मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। तो पीले फूल और पंचामृत के साथ ही गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक करें। आइए अब जानते हैं वृश्चिक राशि के लोग किस प्रकार से अभिषेक करें। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, तो गुलाब के फूलों व बिल्व पत्र की जड़ के साथ ही गन्ने के रस, दूध और शहद से भगवान शिव का अभिषेक करें। आप जानते हैं धनु राशि के जातक के बारे में, तो धनु के स्वामी बृहस्पति हैं। इन्हें पीला रंग प्रिय है, तो पीले फूल के साथ शहद और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। आप जानते हैं कन्या राशि के जातकों के बारे में कि ये किस प्रकार से अभिषेक करें। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं और बुध को हरा रंग प्रिय है। ऐसे में बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि सामग्री के साथ ही दही और दूधवा से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अब जानते हैं तुला राशि के जातक किस प्रकार अभिषेक करें। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र का रंग सफ़ेद है। ऐसे में मिश्री युक्त दूध और दही से भगवान शिव जी का अभिषेक करें। अब जान लेते हैं मिथुन राशि के जातक किस चीज़ से अभिषेक करें भगवान शिव का। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं। बुध का रंग हरा होता है, तो ऐसे में भांग, धतूरा और बिल्व पत्र के साथ ही दूर्वा से भगवान शिव का अभिषेक करें। अब बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। चंद्रमा का रंग चमकीला सफ़ेद है, तो ऐसे में सफ़ेद फूल और भांग, मिश्रित दूध और शहद मिश्रित दूध के साथ भगवान शिव जी का अभिषेक करें। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य का रंग लाल है, ऐसे में सूर्य राशि के जातकों को कनेर के लाल रंग के पुष्प के
साथ ही शहद और गन्ने के रस से भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। तो अब आपसे विदा लेते हैं, इस पोर्ट से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप इस जानकारी को अवश्य पसंद करेंगे।